आपको बता रहे हैं 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है। 22 तारीख हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार की तारीख है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं वहां उपस्थित रहने वाले हैं। पूरा देश रोमांचित है, अपने अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ अपने आंखों से वो अलक्षण विलक्षण पूरा घटनाक्रम निहारना चाहता है। मध्य प्रदेश सरकार भी जनभावनाओं के साथ है और हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी, भांग की दुकानें बंद रहेगी, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की दुकानों को हमने बंद करने का निर्णय किया है।